डॉक्टर भाई सिंह सर प्रेजेंट हैं। सर हम शुरू करें मीटिंग। डॉक्टर भाई सिंह सर मीटिंग शुरू करने की इजाजत है। डॉक्टर भाई सिंह सर आप सुन पा रहे हैं? सर अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपक शर्मा आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ एज ए जनरल सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन। दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की आज ये 45th वेबिनार है। लॉकडाउन के बाद जब हम लोगों ने वेबिनार करने शुरू किए तो हमें लगा कि सीएमई से ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आया। वेबिनार्स किए अलग-अलग स्पीकर्स को लेकर के, अलग-अलग टॉपिक्स को लेकर के, और सभी लोगों ने हमें बहुत अच्छे से एंजॉय किया हमारे वेबिनार्स को, और बहुत लर्निंग्स आई, बहुत सारे मैसेज आए, बहुत सारे वीडियोज आए हमारे एज ए टेस्टिमोनियल। तो मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ, आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने डीएचएमए को इतना सपोर्ट किया और हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जो लोग आज नए हैं मैं उन लोगों को बता दूं कि दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन 1932 में डॉक्टर युधवीर सिंह सर द्वारा बनाई गई थी। डॉक्टर युधवीर सिंह सर दिल्ली के पहले हेल्थ मिनिस्टर थे। दिल्ली जो का जो होम्योपैथिक का बोर्ड है उसके पहले चेयरमैन रह चुके हैं। दिल्ली में नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जो है वो भी उन्होंने फाउंड किया, फाउंडेशन उन्होंने की थी। दिल्ली में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का भी फाउंडेशन उन्होंने किया था, और भी बहुत सारे उन्होंने काम किए, और होम्योपैथी के लिए तो बहुत सारे इनोवेशन दे करके गए। तो मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी होना। और आज हमारे साथ हमारे प्रेसिडेंट सर डॉक्टर युधिष्ठिर सिंह सर हैं, हमारे आज के दोनों स्पीकर, हालांकि हमारे अपने मेंबर्स हैं डॉक्टर श्वेता सिंह और डॉक्टर गरिमा जिंदल, ये लोग भी हमारे साथ हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ने अपनी एक वेबसाइट भी बनाई हुई है जिसका एड्रेस है www.dhma.in। आप मुझे 9731153617 पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे जितने भी अपडेट्स हैं वो आप सब लोगों को मिलते रहते हैं। अगर आपको अभी तक नहीं मिले हैं तो मुझे व्हाट्सएप करके अपना नंबर या कोई भी टेक्स्ट लिख करके मुझे मैसेज करिए, हम लोग आपको ऐड कर लेंगे और आप लोगों को सारी फॉरवर्डिंग्स आती रहेंगी डीएचएमए के रिगार्डिंग। डीएचएमए ने अभी तक बहुत सारी एक्टिविटीज की हैं। जब से मैं जनरल सेक्रेटरी बना हूँ तब से मैंने उन सबको कंटिन्यू रखा है, और एक फिजिकल सीएमए दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में 1932 से होती आ रही है। लास्ट संडे ऑफ द मंथ को हमने उसी को कंटिन्यू किया है, और आज का ये जो वेबिनार है एज ए सीएमए, मतलब आप सोचिए कि जितने भी हम लोग डीएचएमए का जो परिवार है वो इस समय दिल्ली होम पब्लिक लाइब्रेरी में लास्ट संडे ऑफ द मंथ को हमेशा 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक हम लोग वहीं पर रहते थे और एक अच्छी सी नहीं करते थे, लेकिन कोरोना ने हमें सिखाया कि डिजिटल बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर हैं एक बहुत अच्छे टॉपिक को लेकर के। हालांकि मेरे मन में बहुत दिनों से ये बात थी कि वार्ड्स के लिए होम्योपैथी बहुत मशहूर है, और जब भी कभी वार्ड्स या मत्स्य का नाम लेते हैं तो हर एक के मन में होम्योपैथी का जिक्र आता है, और मैक्सिमम लोग तो यही मानते हैं कि वार्ड्स मतलब थूजा। ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने वार्ड्स के लिए थूजा ली, किसी ने बताई थी किसी ने 1 ml, किसी ने 30 ml, किसी ने मदर टिंचर। तो कभी भी मस्सों का नाम लेते ही थोजा याद आ जाती है, लेकिन आज तक मुझे कोई होम्योपैथी में ऐसा कोई लेक्चर मिला नहीं जहाँ पे मुझे वार्ड के वेरिएशन मिले, क्योंकि जनरल प्रैक्टिस है, हर एक के पास वार्ड के केसेस आते हैं। बहुत सारे तो लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि वार्ड क्या है और बाकी चीजें क्या है, क्योंकि अगर वार्ड को ठीक होना है तो एक या दो खुराक में ठीक हो जाता है कुछ ही दिनों में, और नहीं ठीक होना होता है तो कभी कभी 6 महीने 1 साल तक भी लग जाता है। मैंने ऐसा फील किया, मैंने अपने जितने भी सीनियर से पूछा उन्होंने भी यही फीडबैक दिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि 1-2 साल तक लगे रहते हैं सारी मेडिसिन ट्राई करने के बाद भी वार्ड नहीं जाते। तो आज हमारे साथ दोनों स्पीकर्स हैं, डॉक्टर श्वेता सिंह जो दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट हैं, और डॉक्टर गरिमा जिंदल जो दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की ट्रेजरर हैं। दोनों ही लोग सिर्फ दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ही नहीं, पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हैं, मैं इनसे डेली कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। हमारे ऑर्बिट क्लिनिक के दोनों कंसल्टेंट हैं, डॉक्टर श्वेता सिंह सीनियर कंसल्टेंट हैं और डॉक्टर गरिमा जिंदल जूनियर और एसोसिएट कंसल्टेंट दोनों हैं। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ डॉक्टर श्वेता सिंह और डॉक्टर गरिमा जिंदल,
आप लोगों का आज के इस वेबिनार में, और मैं चाहता हूं कि आज हमें वार्ट्स के बारे में वो सब कुछ बताओ जो शायद एक जनरल फिजिशियन को नहीं पता होता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि डॉक्टर गरिमा जिंदल आज थोड़ा क्लिनिकल पार्ट बताने वाली हैं और डॉक्टर श्वेता उसका जो होम्योपैथिक पार्ट है और जो केसेस हैं वो प्रेजेंट करेंगी। तो मैं सबसे पहले, अगर डॉक्टर वाई सिंह सर जो हमारे प्रेसिडेंट हैं अगर वो सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ सर हमें इजाज़त दीजिए ताकि हम आगे कंटिन्यू करें। नमस्कार डीएचएमए के सभी मेंबर्स को, जो भी इसमें उपस्थित हैं सबको नमस्कार। आज हमारे लॉकडाउन की ये 45वीं वेबिनार और हमारी मंथली साइंटिफिक मीटिंग, सितंबर सितंबर की साइंटिफिक मीटिंग, एनुअल मीटिंग जो होती है मंथ की, उसमें आज के टॉपिक वार्ड्स पर डॉक्टर गरिमा और डॉक्टर श्वेता सिंह का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। डीएचएमए के सभी मेंबर्स का स्वागत करता हूँ। और डॉक्टर दीपक शर्मा, निवेदन है कि आप शुरू कराइए मीटिंग। थैंक यू सर, थैंक यू। दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के मेंबर्स के अलावा जितने भी ऐसे लोग हैं जो दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के मेंबर नहीं हैं, उन सबका भी स्वागत है उसी मतलब सामर्थ्य के साथ जितना हम मेंबर्स का करते हैं। एक परिवार है और हम चाहते हैं कि आप सब लोग इस परिवार के साथ जुड़िए। जुड़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.dhma.in पर जाइए, या फिर मुझे 9711153617 पर व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको सारी डिटेल्स बता दूंगा। खैर, आज सब लोग हम जब यहाँ पढ़ने के लिए हैं तो हम लोग शुरू करते हैं डॉक्टर गरिमा जिंदल से। डॉक्टर गरिमा जिंदल का मैंने बताया कि ये ट्रेजदार हैं दिल्ली होम्योपैथी मेडिकल एसोसिएशन की और जूनियर कंसल्टेंट हैं ऑर्बिट क्लिनिक की, और अपना क्लिनिक भी रन कर रही हैं। बहुत अच्छा लगता है कि जब मुझे स्टूडेंट से कुछ पढ़ने के लिए मिलता है, और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स ही मेरे सबसे अच्छे टीचर्स हैं, क्योंकि यही लोग मुझे कुछ सिखाते हैं। तो इन्होंने भी रिक्वेस्ट करी कि सर वार्ड्स जैसे टॉपिक पर कुछ होना चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है आप ही सब लोग तैयार करो, और इन्होंने मेरी बात मानी और बहुत अच्छे से इन्होंने प्रिपेयर किया है। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग वार्ड्स के बारे में वो सब जानिए जो शायद हम लोग बहुत पीछे रह जाते हैं। कभी कभी जब हम लोग कहते हैं कि बहुत सारे वार्ड ठीक हो गए, लेकिन वो एक्चुअली वार्ड नहीं होते। बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो ठीक नहीं हो रहे, लेकिन वो वार्ड्स होते ही नहीं जिनके लिए हम ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं। तो और ये भी जरूरी नहीं है कि थोजा काम करें। मेरे पूरी लाइफ में मुझे लगता है कि शायद थोजा ने वायर के लिए सबसे कम काम किया होगा, बाकी सारी मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर गरिमा जिंदल से कि वो प्लीज अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करें। इस बीच आपको बता दूं कि अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो चैट में पूछते रहेंगे, हम लोग जो भी स्पीकर्स हैं उनसे बाद में क्वेश्चंस पूछेंगे, और बीच में डिस्टर्ब ना करें, सभी लोग अपने आप को म्यूट रखें ताकि जो स्ट्रीम है वो बहुत अच्छे से और कोई डिस्टरबेंस ना आए। थैंक यू सो मच एंड वेलकम डॉक्टर गरिमा एंड डॉक्टर श्वेता। सो डॉक्टर गरिमा, आपसे शुरुआत करते हैं प्लीज। थैंक यू सर। थैंक यू सर इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। थैंक यू और मैम। वॉट एंड होम्योपैथी, ये टॉपिक सर ने ही दिया है आज हमें। हम लोग भी बहुत सारे केसेस मेरे पास भी आते हैं कि वॉट है, और होम्योपैथी से तो मैम सुना है कि ठीक ही हो जाता है, बट काफी बार ऐसा होता है कि केसेस अटक जाते हैं और बहुत लंबे टाइम तक पेशेंट बोलते हैं मैम कब तक दवाई कब तक लेनी है। और कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो सीधा बोलते हैं कि थूजा मिलेगी, ये वॉट है, इसको ठीक करना है। तो उसके लिए आज हम पहले पढ़ते हैं कि थूजा एक्चुअली में है क्या, वॉट्स एक्चुअली में है क्या। वॉट्स हमारी बिनाइन ग्रोथ्स होती हैं स्किन के ऊपर, इनको हम स्मॉल एपिड्यूरल ट्यूमर्स भी कह सकते हैं। दे आर हार्मलेस, पेनलेस, सिर्फ कॉस्मेटिक रीजन होता है जिसके लिए पेशेंट्स यहाँ से वहाँ जा रहे होते हैं हर डॉक्टर टू डॉक्टर की हमारे फेस पर ये वॉट है, ये अच्छा नहीं लगता दिखने में, इसको हटाना है, या ये क्या है, क्यों है हमारे, हमें ही क्यों हुआ ये। सो ये एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है जिसके इन्फेक्शन की वजह से वॉट्स की ग्रोथ हो जाती है। ये ऐसा ही है, इतना ही कॉमन है जितना कि कोल्ड या कफ, जैसे हम कोल्ड बोलते हैं वायरल इन्फेक्शन हो गया, कफ हो गया, ऐसे ही वॉट्स भी इन्फेक्शियस होते हैं, कंटेजियस होते हैं, जो फैलते हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? हार्मलेस, पेनलेस, बट कभी कभी वो इचिंग कॉज कर सकते हैं, ब्लीडिंग कॉज कर सकते हैं कुछ कुछ सिचुएशंस में। डिफरेंट साइट्स पर प्रेजेंट होते हैं, कोई पर्टिकुलर साइट नहीं है, बॉडी में किसी भी एरिया को इन्फेक्ट कर सकते हैं, हैंड्स, फेस, नेक, कहीं पे भी इन्फेक्शन का हो सकता है। बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं दैट वो मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट हो जाएं, कि वो कैंसरस हो। हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ वॉट्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का कौन से स्ट्रेन ने इन्फेक्ट किया है।
और कौन सी साइट पे इन्फेक्ट किया है। तो सबसे ज्यादा हमारे पास कॉमन है मेन है वेरुका वल्गारिस, जिसे हम कहते हैं कॉमन वॉट, मोजेक वॉट्स, फ्लैट वॉट्स, फिलीफॉर्म, पेरियंगल, प्लांटर, जेनाइटल्स, जुवेनाइल वॉट्स, ऑक्यूपेशनल वॉट्स। अब हम इन सब के बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि हमें इनमें डिफ्रेंशिएट कैसे करना होता है और हम कैसे देख के ही सिर्फ डायग्नोस कर सकते हैं कि वॉट है या नहीं। जो कॉमन वॉट्स होते हैं वो यूजुअली बच्चों में या फिर यंग टीनेजर्स में हमें मिलते हैं। दे आर सर्कमस्क्राइब्ड, डीमार्केटेड, रेगुलर मार्जिन हो सकते हैं या इरेगुलर होंगे, और वेरोशियस मतलब बहुत थिकनिंग हो जाती है स्किन की। जहाँ पे भी हमें वॉट मिलेंगे थिकनिंग होगी, ड्राई रफ स्किन होगी, कलर स्किन कलर भी हो सकता है येलो ब्लैक ब्राउन कलर के हो सकते हैं। और मोस्ट कॉमन साइट कॉमन वॉट्स के लिए वो साइट्स होती हैं जहाँ पे हमें इंजरी की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, जो एक्सपोज्ड पार्ट्स होते हैं हमारे हैंड्स, एल्बोज, फेस, नीज, जहाँ से एंटर करके वायरस ईजीली हमारी बॉडी को इन्फेक्ट कर सकता है, मेनली वही रीजन्स होते हैं। पेन यूजुअली नहीं मिलता बट वेट बियरिंग रीजन्स में पेन मिल सकता है। नेक्स्ट है फ्लैट वॉट्स। ये बहुत ही छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें एरिथेमेटस वॉट्स होते हैं, रेडिश फ्लैट वॉट्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं नंबर के अंदर, छोटे छोटे स्मूथ वॉट्स और स्किन कलर के या डार्क भी हो सकते हैं, और मोस्ट कॉमनली इनका एरिया होता है फेस या नेक। और जब ये लीनियरली अरेंज होते हैं तो हमें कॉबनर फिनोमेना पड़ते हैं। कॉबनर फिनोमेना मतलब जब भी कहीं पर इंजरी होगी तो उस इंजरी के अराउंड, उस लीनियर इंजरी के अराउंड ये इरप्शंस आ जाते हैं, जैसा कि हम इस इमेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट है फिलीफॉर्म और डिजिटेट वॉट्स। ये दे आर यूजुअली सिंगल इन नंबर, ये मल्टीपल नहीं होते हैं। सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिंगर प्रोजेक्शंस, जिनका बेस बहुत हॉर्नी और हार्ड होता है। दे आर ऑल्सो पेनलेस और ये यूजुअली हमें आईलिड्स के पास मिलते हैं, सिंगल जस्ट एक एक वॉट होगा आईलिड के पास या नेक पे अपर लिप के पास, इन रीजन्स में हमें फिलीफॉर्म या डिजिटेट वॉट्स मिलते हैं। नेक्स्ट है जेनाइटल वॉट्स। जेनाइटल वॉट्स सेक्सुअली एक्टिव मेल्स फीमेल्स में मिलता है और दे आर यूजुअली पिंक इन कलर। डायग्नोसिस मोस्टली आफ्टर एग्जामिनेशन ही बन पाता है क्लियर। क्लस्टर्स में होते हैं और इन्फेक्टेड दे गेट ड्यू टू द इंटरकोर्स विद द इन्फेक्टेड पर्सन। मोजेक वॉट यूजुअली द क्लस्टर्ड वॉट्स, दे आर मल्टीपल इन नंबर एंड हमें यूजुअली देखने को मिलता है सुपरफिशियल पाल्मो प्लांटर वॉट्स में, जहाँ पे बहुत सारे वॉट्स सुपरफिशियल स्किन के लेवल पर इकट्ठे हो जाते हैं। नेक्स्ट इज पेरियंगुअल वॉट्स। पेरियंगुअल वॉट्स कॉलीफ्लावर क्लस्टर लाइक वॉट्स होते हैं जो यूजुअली फिंगर टिप्स के एजेस पर प्रेजेंट होते हैं। जो लोग नेल बाइटिंग करते हैं या फिर जिनका बहुत ज़्यादा वॉशिंग का काम होता है, डिश वॉशिंग, बार टेंडर्स, ये लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं इन्फेक्शन के, क्योंकि इंजरीज और कट एब्रेजन एरियाज होते हैं फिंगर्स के आसपास। नेक्स्ट है हमारा प्लांटर वॉट्स। प्लांटर वॉट्स और वी कैन कॉल पाल्मो प्लांटर वॉट्स, इधर द पाम और द सोल ऑफ द फीट हमारी उस पर हमें मिलते हैं और ये कट से एंटर करता है वायरस यहाँ पे। जैसे जो लोग स्विमिंग पूल्स में बेयर फीट वॉक करते हैं या फिर सॉइल में बेयर फीट वॉक करते हैं तो वहाँ से वायरस गेट्स द एंट्री इन टू आर स्किन एंड दस कॉजेज द वॉट ओवर देयर, वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करता है। हम दो टाइप से डिवाइड करते हैं पाल्मो प्लांटर वॉट्स को, सुपरफिशियल पाल्मो प्लांटर एंड डीप पाल्मो प्लांटर। सुपरफिशियल पाल्मो प्लांटर वॉट्स आर मोजेक वॉट्स एज आई टोल्ड अर्लियर। वो हाइपर केराटोटिक पेप्यूल्स होते हैं जो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, स्मॉल वॉट्स होते हैं एंड दे आर मेजरली पेनलेस अंटिल एंड अनलेस वो प्रेशर बियरिंग एरिया पे हैं। बट जो डीप पाल्मो प्लांटर हैं दे आर एक्सट्रीमली पेनफुल, दे आर डीप सीटेड एंड दे हैव अ हॉर्नी सीटिंग। सेकेंडली जो उनका अगर इवन इफ देर मल्टीपल इन नंबर ना, दे विल ऑलवेज बी डिस्क्रीट, वो कभी भी मोजेक फॉर्म में नहीं मिलेंगे, हमेशा डिस्क्रीट सिंगल सिंगल वॉट्स मिलेंगे डीप पाल्मो प्लांटर में एंड इट विल बी एक्सट्रीमली पेनफुल। जुवेनाइल वॉट्स जो हमें बच्चों में देखने के लिए मिलते हैं बिकॉज किड्स आर एक्सपोज टू ह्यूज इन्फेक्शन इन द स्कूल्स एंड वेयर एवर दे गो टू प्ले, तो बच्चों में वो वॉट्स मिलते हैं। ऑक्यूपेशनल वॉट्स वो होते हैं जो बुचर्स या फिश हैंडलर्स के अंदर हमें मिलते हैं, डोम शेप्ड होते हैं ड्यू टू देयर ऑक्यूपेशन दे गेट दैट। नाउ इट्स अ वायरल इन्फेक्शन, हमने पढ़ लिया जो वायरस ह्यूमन पैपिलोमा वायरस फैमिली को बिलोंग करता है
उससे ये आता है। इस वायरस के मोर देन 150 स्ट्रेन हम लोग डिस्कवर कर चुके हैं। इट्स अ डीएनए बेस्ड वायरस एंड जो वायरस वॉट्स कॉज करता है वो जो वायरस वॉट्स कॉज करता है वो है टाइप 6 एंड टाइप 11, जबकि जो टाइप 16 वायरस है इसका दैट इज केपेबल ऑफ कॉजिंग इन सीटू स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द जेनिटेलिया। ये जो मॉर्फोलॉजी है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की, ये सिर्फ हमारा जो स्किन लीजन है उसकी मॉर्फोलॉजी को डिफाइन नहीं कर रहा, बट उसकी ऑन्कोजेनिक पोटेंशियल, मतलब वो कैंसर कॉज करने की उसकी पोटेंशियल कितनी ज्यादा है, ये भी डिफर करती है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेन ऑफ द ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। रिस्क फैक्टर्स वॉट्स के लिए क्या रहते हैं? अभी क्योंकि इन्फेक्शन स्किन का और मेम्ब्रेन्स का हो रहा है, तो हमारी जितनी इम्यूनिटी लो होगी, जितना पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होगा, उतना उसको वॉट की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। जस्ट लाइक कोल्ड एंड कफ, जितना हमारी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है उतना ही हम प्रोन होते हैं उस इन्फेक्शन के लिए। वैसे ही जिनका इम्यून सिस्टम वीक है या फिर जो कोई इम्यून सप्रेसिव ड्रग्स पे हैं, जो मेडिसिन ले रहे हैं, और हु आर वॉकिंग बेयर फीटेड ऑन मॉइस्ट सर्फेसिस, पब्लिक शावर, स्विमिंग पूल्स, या फिर इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स के एसेंशियल्स यूज करने की वजह से, टावल्स, रेजर्स, पर्सनल आइटम्स यूज करने की वजह से भी वॉट का इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कुछ लोगों को इन्फेक्शन के लिए एक्सपोज होने के बाद भी वॉट्स नहीं आते, सो दे आर ऑलरेडी इम्यून टू दैट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इट इज नॉट सच अ बिग वायरस कि वो सबको ही इन्फेक्ट करेगा। नेक्स्ट, हाउ डज इट ट्रांसमिट? नॉन जेनाइटल वॉट्स ट्रांसमिट थ्रू स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट डायरेक्टली बाय इनोकुलेशन, और जो एनोजेनाइटल है दैट मे बी ड्यू टू सेक्शुअल कॉन्टैक्ट और द वर्टिकल ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू द फीटस। People get infected by warts due to the viral infection, common classrooms, बच्चे same जगह पे जा रहे हैं infected लोगों के साथ मिलने से, हमारी skin में already cuts हैं, उधर से infection easily cause हो जाता है। अब course of what, कुछ लोगों के warts ऐसे होते हैं जो अपने आप ही झड़ जाते हैं या खत्म हो जाते हैं, तो ऐसा देखा गया है कि 30% wart 6 months में self healing होता है जो healthy individuals होते हैं, जिनका कॉन्स्टिट्यूशन ठीक होता है, जो जिनके होम्योपैथी की लैंग्वेज में हमारा वाइटल फोर्स बैलेंस्ड होता है, वो 30% इन 6 months एंड 60% इन 12 months क्योर होना शुरू हो जाते हैं। और जब वॉट क्योर हो रहा होता है तो एक ब्लैकिश डिस्कलरेशन अपीयर होती है सरफेस पे एंड देन वॉट रिजॉल्व्स। बट इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल्स द वॉट्स परसिस्ट, दे डोंट हील अपॉन देमसेल्फ एंड विच कैन लीड टू फर्दर कॉम्प्लिकेशंस। प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं वॉट्स का? हाइजीन मेंटेन करने से, विदाउट नॉट शेयरिंग टॉवल्स एंड एसेंशियल्स विद द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स, कॉन्ट्रासेप्टिव्स ड्यूरिंग इंटरकोर्स, एंड स्पेशली नॉट कटिंग एंड प्रिकिंग आर एग्जिस्टिंग वॉट्स। बहुत लोगों की टेंडेंसी होती है कि हमने उसे करके खींच दिया या हमने कॉटराइज करा लिया या हमने कट कर दिया, वो अच्छा नहीं लग रहा था, बट दैट इज अ कॉज ऑफ फर्दर मोर वॉट्स और मोर कॉम्प्लिकेशंस इन द बॉडी। डायग्नोसिस हमने जो भी मॉर्फोलॉजी और सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं वॉट्स के, उसी से होता है। मेजरली अपीयरेंस बेस्ड होता है, बट समटाइम्स कुछ केसेस में जहां हमें कार्सिनोमा सस्पेक्टेड होता है या कोई डिफिकल्ट कंडीशन सस्पेक्टेड होती है, वहां पे हम बायोप्सी कराते हैं स्किन का टू सी व्हाट इज द कंडीशन बीनीथ। कॉम्प्लिकेशन ऑफ वॉट्स, मेजर कॉम्प्लिकेशन इज द लार्ज जेनिटल लीजन कॉजेज ऑब्स्ट्रक्शन इन लेबर इन द प्रेग्नेंट लेडी, and it can cause cervical cancer of the infected individual. Differential diagnosis, how do we differentiate molluscum contagiosum from wart and corns from wart? Molluscum contagiosum हम सबने देखा है, एक smooth dome shape pearly appearance होती है, बहुत ही bright and it has a center core, whereas warts बहुत ही hyperkeratotic thickening होती है जो हमें blackish या brownish color में दिखती है, majorly skin color की होती है, so we can differentiate that. And corns majorly appear on the point of pressure where the skin becomes hard and it's very painful, whereas plantar warts can appear anywhere, unki margins bhi interrupted hoti hain aur thode black dots hame wahan milte hain. Now we go towards the homeopathic approach. कि अभी हमने ये सारा मेडिसिनल पार्ट पढ़ा कि वॉट एक्चुअली में होते क्या हैं, क्यों क्यों होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और हमें डायग्नोस कैसे करना है। अब हम होम्योपैथिकली देखते हैं कि हमें कैसे अप्रोच करना है। वॉट्स की जो स्टेज होती है ना, वो हमें डायग्नोसिस में हेल्प करती है। जैसे जो वेरुका वल्गैरिस है, दैट इज यूजुअली फाउंड इन चिल्ड्रन,
जो हेरिडिटरी रीजन को जेनेटिकली साइकोटिक मायोसिन जो हम कहते हैं कि वॉट साइकोटिकली साइकोटिक मायोसिन प्रीडोमिनेंट है. अभी आगे पता चलेगा हमें कि इट इज नॉट ओनली साइकोटिक मायोसिन. एंड इफ द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम फिलीफॉर्म इट इज अ टर्शियरी लीजन. दैट मीन्स कि बचपन में कुछ सप्रेशन हुआ अब फिलीफॉर्म वॉट आया है. सो दैट गिव्स अस द कोर्स ऑफ द डिजीज कि अब कौन सी स्टेज में है डिजीज. कुछ लोगों को बहुत जल्दी टेंडेंसी होती है जिसे हम कहते हैं कि एक पूरी फैमिली में सबको ही वॉट है, पेरेंट्स को भी है, सबको सभी ऑल आर इन्फेक्टेड. सो दैट इज बिकॉज ऑफ द फैमिलियल टेंडेंसी और बी कॉल्ड एज अ फंडामेंटल मायोसिन. साइकोटिक मायोसिन रन्स इन द फैमिली जिसकी वजह से सबको डिजीज कॉज हो रही है. मायोसिन हमें पता है इट्स अ डायनेमिक एनर्जी जिसे हम देख नहीं सकते हैं. और हमारी हमारी होम्योपैथी में भी और एलोपैथी में भी बहुत सारे एविडेंसेस हैं जो ऐसा कहते हैं कि स्किन की जो डिजीजेस होते हैं दैट आर द एक्सप्रेशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन द इंटरनल डायनेमिक्स. एंड उस इंटरनल डायनेमिक्स को उस डिस्टर्बेंस को डॉक्टर हैनेमैन ने नाम दिया है क्रॉनिक डिजीजेस जिसे हम साइकोटिक मायोसिन कहते हैं. कुछ ना कुछ प्री कंडीशन जरूर ऐसी हमारी बॉडी में हुई होगी, कुछ डिस्टर्बेंस मे बी ऑन द मेंटल लेवल और ऑन द फिजिकल लेवल ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से स्किन के लेवल पे मैनिफेस्टेशंस आई हैं, चाहे वो वॉट्स हो चाहे वो कोई और स्किन कंडीशन हो. बट देयर मस्ट बी समथिंग इंटरनल डिस्क्रिपेंसी व्हिच लेड टू दिस कंडीशन. मायस्मेटिक बैकग्राउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रूल आउट द केसेस इन विच द कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन डजंट वर्क आउट. बहुत बार ऐसा होता है कि पूरा केस ले लिया, ऑल्दो ये वन साइडेड डिजीज है, स्किन कंडीशन है, बट पूरा केस लेने के बाद फॉलोअप लेने के बाद भी मेडिसिन रिजल्ट नहीं करती. क्यों? क्योंकि हम क्या चीज मिस कर रहे होते हैं, हम मायोसिन मिस कर रहे होते हैं कि कौन सा मायोसिन है जो प्रीडोमिनेंट वहां पे एक्ट कर रहा है जिसके बेसिस पे हमें मायोसमेटिक ट्रीटमेंट करना जरूरी है. अगर हम कंप्लीट इरेडिकेशन चाहते हैं इस डिजीज का तो हमें मायोसिन जरूर देखने पड़ेंगे. डिफरेंट जो हमारे पाइनियर्स हैं पुरानी होम्योपैथी के वो सब कहते हैं कि सोरिक, व्हाट्स आर सोरिक. फिलिस्फाइट सेज That skin is psoric. Psoric skin में skin dry, dirty, unhealthy होती है, separative होती है. Skip energy says that all the warts, all the burning, scaly eruptions which are recurring in the skin comes under psoric miasm. And Raman Lal Patel in repertory of Dr. Raman Lal, warts which are bleeding, warts which are brown, warts which are dry, warts which are flat, all comes under psoric miasm. Ken says कि sora is the cause of all contagious diseases. Jitna jo gonorrhea that is acute that appeared, it completed its course and then gave the external manifestations. So we will count it in psoric, that it's a psoric condition. Supporting Kent, Dr. H. Robert also said this, that gonorrhea completed its term, manifested itself outwards in the skin condition and gonorrhea completed its course. So how come we can call it psychotic? Psychotic is something when gonorrhea is suppressed, when the discharges are stopped, and in the later stages, psychotic miasm appears. But here, gonorrheal discharges occurred, took their time, completed their course, so the warts are psoric in nature. Psychotic, Dr. S.K. Banerjee says that the skin lesions like verruca filiformis, verruca vulgaris, planar, they all come under psychotic because in the tertiary lesion stage. When in the later ages, warts comes, they are in the psychotic stage when they have been suppressed by some medications or by some external applications. Syphilitic are the veneral warts which are syphilitic, which have pointed papillary growth, bleeding, degenerative warts are comes under syphilis. Now we have management of warts. It is clearly stated that there is no role of local application. Patients often come saying कि मैम लगाने का कुछ दे दो, लगाने से झड़ जाएंगे, खाने से क्या होगा. बट एक्चुअली में वी इन होम्योपैथी स्ट्रिक्टली डोंट यूज लोकल एप्लीकेशंस. एच रॉबर्ट्स ने बोला कि लोकल मैनिफेस्टेशंस जो है वो आउटवर्ड एक्सप्रेशन है इनवर्ड और स्पिरिचुअल फोर्स का. सो दैट नीड्स टू बी ट्रीटेड फ्रॉम इनवर्ड्स. जो भी मेडिसिन हम देंगे वो इंटरनली देंगे एंड इट विल ऑन इट्स ओन ट्रीट इट. कोई अगर हम लोग एक्सटर्नल एप्लीकेशन करते भी हैं वी आर डूइंग मोर हार्म देन गुड टू द पेशेंट बिकॉज दैट विल रिजल्ट इनटू इनवर्ड मैनिफेस्टेशन ऑफ सम अदर डिजीज एंड सम न्यू डिजीज.
सो ओवर टू यू मैम, डॉक्टर श्वेता मैम, आप प्लीज होम्योपैथिक अप्रोच आगे कंटिन्यू कीजिए. थैंक यू डॉक्टर गरिमा, थैंक यू सो मच. Now I invite Dr. Shweta Singh, who is Vice President of Delhi Homeopathic Medical Association and Senior Consultant of Orbit Clinics. So, Dr. Shweta, ma'am, please continue. जिनके भी क्वेश्चन कोई डॉक्टर गरिमा से हैं तो प्लीज चैट में लिखते रहिए, और दोनों के जो क्वेश्चन हैं आपके वो दोनों स्पीकर से बाद में पूछेंगे. जो भी क्वेश्चन है प्लीज लिखते रहिए. जी डॉक्टर श्वेता. My slides are visible. जी मैम, बिल्कुल ठीक है. So, what's in homeopathy? And let's explore the homeopathic perspective in Watts. So, what's the homeopathic view is, they are one-sided diseases. What do you mean by one-sided diseases? One-sided diseases basically displays only one or two principal symptoms and almost obscure all the others, and they also belongs to chronic diseases. In one-sided diseases, we have paucity of symptoms, we have very few symptoms, only one or two, and because of that they are less amenable to cure, or you can say they are difficult to cure. Then they are in one-sided diseases, we have we can get only physical symptoms, one or two physical symptoms, or we can get only one or two mental symptoms, and we can get local symptoms, like which are external complaints, or we can say local maladies. So in this local maladies, Dr. Hahnemann divided into two, that is surgical part, the diseases because of some external injuries, and second one is that is external complaints or the dynamic disease appearing on the surface of the body, that is external symptom, like in case of wart. But the cause is always internal. So the wart belongs to this category, that is the local maladies. So local maladies, no disease can be local. This symptom, this one symptom that is appearing on the surface of the body, is the outward expression of the inward and spiritual force, that is vital force. This is the outward expression of what is going on inside. They are the result of an underlying internal dyskrasia or disorder, or you can say disharmony of the vital force, which results in this one symptom that is coming to the surface. So we can't name it as local. Every disease has some relation internally. So no disease can be local. As I say, no disease can be local, so we cannot treat it only on that one symptom or two symptom. We have to find out, we have to work upon to find out the totality of the symptoms. In the cases of warts, what make the totality? That is the location and morphology. You have to be a keen observer while looking at a skin symptom or a wart. You have to consider where it is located, and what the physician has to be in the sound, in his sound senses, when he sees a wart or any complaint. So the morphology of the wart is also very important. This gives us a clue to the remedy. As you know that homeopathy is doesn't treat with the name of disease. We treat the patient as a whole, not the single part or organ or the system. So we have to consider the physical characteristics of the symptoms and the mental makeup also. In the total, then only we can find out what is peculiar, what is rare, what is uncommon, and what is characteristic of the given case. Whatever the disease is,
whatever the skin complaint is, not only in the case of wart, but any skin disease, you have to find out these peculiar symptoms, characteristic symptoms, some rare symptoms, or the these uncommon symptoms to reach to the totality, to make the totality of the symptoms. Then only you can individualize a case. So this is our aim. The case taking, we do case taking to individualize a case, to differentiate one case from others of a same group. So no real cure can take place without a strict particular treatment of each case of disease. We have to go with the individualization. So this have to be kept in view, and this is the sole principle according to which we can select a remedy or we can reach to a similar. I have put some remedy indications on the basis of location of warts. If you are finding a wart on a face, you can think of causticum sepia. If it is around the eyes, you can think of causticum sulfur. If it is on the eyelids, causticum thuja can be the remedy. Nose, there is a single remedy, that is causticum. These rubrics which have single remedy are very peculiar and they are of much importance. Sometimes we don't find any associated symptom, and sometimes we give this single remedy to the patient and he or she improves. So these are very important. And if the patient, if there is wart on the throat, natrum sulf can be think of. If it is on arms, calcarea carb, nitric acid. If it is on hands, dorsal surface of the hands, anacardium, barbarus, natrum ure, natrum sulf, sepia, they are of much importance. If it is on the palm, palmar surface of hand, natrum ure. If it is located on the fingers, causticum, thuja. If it is on the lower limbs, it can be thuja. Now on the basis of morphology of warts, कैसा दिखता है हमारा वॉट, उसके अकॉर्डिंग हमें मेडिसिन सिलेक्ट करनी हो तो वी कैन कंसीडर इफ इट इज लार्ज कॉस्टिकम डलकामारा नैट्रम कार्ड नाइट्रिक एसिड सीपिया थूजा. इफ इट इज ऑफ हॉर्नी एक सींग की तरह अगर आपको वॉट लगे तो दैट कैन यू कैन थिंक ऑफ एंटिन क्रूड कैल्केरिया कार्ब रेनिनकुलस बल्बोसस सीपिया सिलिशिया सल्फर. इफ इट इज कॉनिकल इन शेप antim tart natrum ure can be think of. If it is smooth, these are the remedies. If it is pedunculated, dalkamara lycopodium thuja. If it is soft, antim crude natrum sulf. If it is flat, we see patient something coming with flat warts, so we can think of fluoric acid, barbarus, calcarea carb, dalkamara, lechesis, natrum ure. If it is flashy, then causticum. Remedy indication, if some warts are very bleeding, zara sa touch hua ya face wash kiya, then bleeding start ho gayi. You can see in the picture if it is visible. You can see these warts are little bleeding. So for the bleeding warts, you can think of embrogation. Nitric acid is a wonderful remedy for these type of warts. And this picture is of my patient who is a syphilitic patient who is a drug addict and has some psychiatric problems. And is patient ka jo behavior bataungi ki apne aap ko harm karna, and usko abhi kuch time se ye warts jo hain appear hue hain, jo ki maine jab dekha to they are bleeding. So I gave him nitric acid and he is under my treatment. So whenever I got a chance to show this case later, I'll do that. So if the warts is itching, there is itching in the warts, then euphorbia, calica, nitric acid, phosphorus, thuja. If it is painful, embragrecia, causticum, fluoric acid, natrum gar, natrum ure, nitric acid, petroleum, thuja.
ulceration around, if the warts appear around some ulceration, you can think of arsenic, you can think of natrum carb, causticum and phosphorus, of course. And if the warts are suppurating, you can think of arsenic, bovista, calcarea carb, causticum, thuja, hypersulf and silicea. These hypersulf, silicea, these are all suppurating remedies. So you can think of in warts also. Now about the external application. We know that we have to give internal remedy in every, each and every case. So what about the external application? It may seem as if cure process of a local disease could be accelerated with correctly chosen homeopathic remedy internally as well as externally selected on the basis of totality of symptoms. So it might possible produce a more rapid improvement. Yes, sometimes we make the correct totality of the symptoms, then we find out a correct similibum. But what we do, we give internally and we give the same medicine externally to apply. So this gives rapid improvement. Of course, you can the wart can be shed off easily and more rapidly, but external application, Dr. Henneman said no, please. Why? In aphorism 194, Dr. Henneman said, it is neither beneficial in acute diseases of rapid growth nor in those of long standing to use a remedy externally as local application to the diseased part, even if the medicines were specific and curative in that form. So Dr. Henneman condemned this external treatment even if the remedy is the correct similibum. You should not apply it externally. You should give only internal remedy or internal treatment. Why so? Because external application, Dr. Henneman said, entirely objectionable treatment. There is premature disappearance of the local symptoms. If you apply the medicine externally, maybe the wart will shed off rapidly, but you cannot assess that the disease is present internally or not. You cannot say that the disease is fully cured. So there can be premature disappearance of the local symptom, and there will be retrograde change. Retrograde change means the disease will turn in the internal direction and it will take a graver form. It will get suppressed and go to more vital organs. जब भी इस तरह के केसेस देखे गए हैं जहां पर वॉट्स, जो अभी डॉक्टर गरिमा ने भी बोला कि पेशेंट जो है वो चूज करते हैं लाइक कॉटराइजेशन कर देते हैं या नाइट्रिक एसिड अप्लाई कर देते हैं, कैलोमेल अप्लाई कर देते हैं, इन सच केसेस द डिजीज विल गो इनवर्ड, देयर विल बी अ रेट्रोग्रेड चेंज एंड बाहर से बेशक वॉट डिसअपीयर हो जाता है बट द साइकोटिक सिम्टम्स विल डेवलप इन टू द मोर वाइटल ऑर्गन्स. सो इन अ लॉन्ग स्पेन, और अगर आप बाद में देखेंगे तो डेफिनेटली दे विल हैव सम साइकोटिक और सिफिलिटिक, जो भी एमाइजम उस टाइम पर सप्रेस हुआ उसके सिम्टम्स आपको और ज़्यादा वाइटल ऑर्गन्स में दिखाई देंगे एंड इट विल टेक अ ग्रेवर फॉर्म. सो इट इज डिफिकल्ट असेसमेंट ऑफ डिजीज बीइंग टोटली एक्सटर्मिनेटेड. वी कैन नॉट असेस दैट द डिजीज इज फुली क्योर्ड. Few exceptions. For the external treatment, Dr. Henneman gave some exceptions only in the cases where administration of medicine is difficult by mouth. So only in those cases where we cannot give the medicine through mouth, in those cases we can try this external application. And for that,
the roots can be the mucous membranes and the denuded surfaces because they are more susceptible. All the sensitive organs like rectum, genitals, the lining of the nose, they are more susceptible to the effect of remedy, and that is why the olfaction and inhalation is more efficacious. But you have to try this only in cases where you cannot, you are unable to administer the medicine through mouth. Now the cases. A tall, middle-aged male patient came to me with a complaint of a wart located over his left thigh. When I saw the wart, that is large and it is painful. Associated complaint was aching pain in the extremities, which is persistent since long. Ye jo mera patient tha, he is coming to me since 2015 for different complaints. And abhi beech beech mein jab bhi wo apni wife इनकी वाइफ का भी मुझसे ट्रीटमेंट चल रहा है एंड बीच बीच में जब भी वो अपनी वाइफ को लेकर आते थे तो हमेशा ही वॉज कंप्लेनिंग ऑफ एकिंग पेन्स इन द एक्सट्रीमिटीज कि मुझे बहुत दर्द रहता है जिसके लिए ही वॉज टेकिंग पेन किलर्स ऑन एंड ऑफ पेन किलर्स लेते रहते थे एंड दैट पेन वॉज एग्रोवेटेड बाई रेस्ट एंड एमुलेटेड बाई मोशन. होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एक बार उन्होंने मुझे ऐसे ही पूछा कि इसके लिए आप ही मुझे कुछ दे दो और ये मुझे पेन रहता है आप ऐसी कुछ मुझे दे दो ताकि मुझे ना पेन किलर ना लेनी पड़े. देन आई ट्राइड रस्टॉक्स, लिटिल रिलीफ वॉज देयर बट ट्रीटमेंट वॉज नॉट कंटिन्यूड. इन द पर्सनल एंड जनरल हिस्ट्री व्हेन आई आस्क्ड सो देयर वॉज एन एडिक्शन ऑफ टोबैको. जब भी वो मेरे पास आते हैं तो उनके मुँह में हमेशा तम्बाकू होता है. एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि वो बिना तंबाकू के मेरे पास आए हों. और क्योंकि ये मुझे कैसे पता चला, जब भी मैंने उन्हें कोई सिंगल मेडिसिन स्टार्ट डोज देने के लिए बोला कि स्टार्ट डोज देनी है तो उनके मुंह में हमेशा तंबाकू होता था. सो दैट इज व्हाई एडिक्शन टू टोबैको एंड अवर्जन टू टी. आई रिपीटराइज दिस केस अभी कुछ टाइम पहले जब वो मेरे पास अपने वार्ड के लिए आए जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे एंड इट वॉज लार्ज एंड पेनफुल. So I repertorize it and what's large, painful, over the lower limbs, unke left thigh par tha, and food and drinks mein I took tobacco desires and tea aversion. So there are remedies. I got Thuja, which covered its 5 symptoms and totality was fine. So I gave him Thuja 200 single dose. Why Thuja? Analysis for the remedy. It is a antipsychotic remedy. Principally left-sided remedy hai aur jo mere patient ko wart tha that is also on the left side. Abhi jab maine remedies location ke according remedies dikhai thi to usme lower limbs mein sirf ek single medicine present thi, that was Thuja. Aur abhi aching pains ke bare mein jab maine bataya to I read Kent in which it was written aching pains that increases so long as he keeps still and he is compelled to keep the bed and then constantly moves and turns. This symptoms basically that time I gave Rustox on this symptom, but such symptom would be cured by it is written in Kant that such symptom would be cured by Rustox when the case is not psychotic, but when these symptoms come from suppressed gonorrhea, Medurinum or Thuja will cure. So I gave him Thuja 201 dose. Now let's listen to the patient. Radhe Radhe, mera naam Ghanshyam hai. Mere jaangon ke beech ke andar ek nuksha hua tha jo mujhe bahut pareshan kar raha tha. तो मैंने डॉक्टर श्वेता से दवाई ली. दवाई लेने के 6 या 7 दिन बाद वो अपना आप ही टूट के गिर गया. अब मुझे आराम है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है. सी अभी भी जब ये वीडियो बनाई है इन्होंने तब भी इनके मुंह में तंबाकू है. सो तंबाकू ये बिल्कुल ही नहीं छोड़ते. मुझे लगता है 24 घंटे ये तंबाकू लेते हैं. बट थूजा
ने इतना मैजिकली वर्क किया कि इनको इनका जो वाट है वो 6-7 दिन में ही शेड ऑफ हो गया, जो कि जिससे कि वो बहुत परेशान थे, जो कि बहुत पेनफुल था और लार्ज भी था. सो दिस इज द मैजिक ऑफ होम्योपैथी विद अ सिंगल डोज थूजा व्हेन यू गेव अ करेक्ट सिमिलिनम. सो एक चीज और बोलना चाहूंगी कि जैसे हमने देखा कि रेमेडी जो हमने अभी लोअर लिम्स की रेमेडी देखी थी उसमें लोअर लिम्स में वार्ट्स हो तो थूजा इज द ओनली रेमेडी, बट ये कीनोट्स हमारे बहुत काम के होते हैं. बट यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू रेफर योर मटेरिया मेडिका फॉर अदर सिम्टम्स ऑल्सो. सिंगल कीनोट में प्रिस्क्रिप्शन हो सकता है जहाँ आपको कभी भी ना मिले, जहाँ देर इज पॉजिटिव ऑफ सिम्टम्स, लैक ऑफ सिम्टम्स, बट यू दिस इज योर ये आपको काम करना है कि वो सिम्टम्स आप पेशेंट से किस तरह निकालेंगे. सो ये हमारा काम है कि हमें पेशेंट से जो हमारी जिसके बेसिस पर जो टोटालिटी पर हमें काम करना है तो एटलीस्ट वी शुड बेसिस बेस आर प्रिस्क्रिप्शन एटलीस्ट ऑन 3 keynotes. सो किसी भी मेडिसिन को देने से पहले एटलीस्ट वहाँ पे मटेरिया रेफर करके 3 keynotes जरूर गैदर करें एंड आफ्टर दैट मेडिसिन आप प्रिस्क्राइब करें तो डेफिनेटली यू विल गेट वंडरफुल रिजल्ट्स. Case 2, see these warts on his face, on his throat and one on his ear. This patient came to me and these are the symptoms. These are the symptoms which I took for repertorization. He has warts on face, warts on the throat. Then the patient is obese, so I took this symptom. And he has desire for salty things. Sweat. The sweat is very peculiar. He has a sweat over the face, over the back of neck and head. So more sweat over these areas and the patient is timid. When I repertorized the case, the medicines came up are pulsatilla, aconite, calcarea carb, lycopodium, so anatromune. These are the remedies which came up. But if we see pulsatilla patient is mild and gentle. Timidity is of course is there, but the pulsatilla patient is very mild and there is desire for fried food or fatty food and the patient is mostly thirstless. So I didn't choose this remedy. And if next is aconite, the patient this remedy has a lot of fear, lot of anxiety, there is anguish of mind and body, there is restlessness which is not there in this case. There is no fear, no restlessness, so I didn't choose this one. Then calcarea, yes, I chose calcarea based on this symptoms and based on the peculiar thing was his sweat and there is lack of courage. And the patient is obese, of course, and he is slow to act. He's very lazy. The patient is chilly. Thermal reactions were chilly. So I chose calcarea. And if we differentiate it from lycopodium patient is, if we see the buildup of lycopodium personality, so the upper part is emaciated and lower part is semi-dropsical. The lycopodium patients are very intellectually keen and they're physically weak. And thermal reaction is obviously a hot patient. Lycopodium is hot patient and desires are sweets. So I didn't choose lyco. And if you see natromute patient, he didn't look like a natromute patient. There is emaciation around the neck and the lycopodium. Of course, natromute has desire of salty things, but other symptoms are not matching with the personality. So I chose calcarea and I gave him calcarea carb 30 single dose and see the results. Next case, this third case, I have shared it in my previous webinar also when I did a webinar on skin diseases. So this is a very interesting and my favorite case.
so I'm sharing it again. A female patient who is a wife, housewife, aged 30 years, about 5 feet 5 inches tall, weighing about 88 kgs. She is obese and presented with an outgrowth on her left breast. So this is the wart. She came to me. And on physical examination, location, that was left breast, areola, around the areola. And description of the wart is wart-like growth. This is fluid-filled, pea-sized, hanging with a stalk, which we can say pedunculated wart. And sensation is the patient is, it is little painful to the patient. When I analyzed the case, so these are the rubrics which I considered. The wart, large, pedunculated, painful, and soft. So in this four symptoms, I got remedies like in every symptom, I got nitric acid and thuja, both. So how to differentiate these two remedies? So I remember the patient was markedly anxious about her health. She was keep coming to me to check for lump in breast for the past 2 years. पेशेंट ये 2018 का केस है और ये पेशेंट मेरे पास उससे भी बहुत पहले से मेरे पास आती थी एंड उस टाइम पर ये मेरे पास आती थी और मुझे हमेशा बोलती थी कि मैम मुझे आप प्लीज़ मेरी ब्रेस्ट एग्जामिन कर लेंगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ कोई लंप तो नहीं है तो आप प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिए. तो मैंने फर्स्ट टाइम जब मेरे पास आई मैंने चेक किया देन देयर वाज नो लंप इन हर ब्रेस्ट. सो ठीक है उसको समझाया कि ठीक है थोड़ा पूछा कि आपको कोई सेंसेशन फील होती है तो ऐसा भी कुछ नहीं था सिर्फ उनको ऐसा लगता था कि मेरे ब्रेस्ट में कुछ लंप है. फिर चली गई फिर वापस आई फिर कुछ दिन बाद फिर वापस आई कि मैम प्लीज़ एक बार चेक कर लो. तो ऐसा रिपीटेडली 7 to 8 टाइम्स ऐसा हुआ. देन एक बार फिर आई देन मुझे बोलती है कि मैम आप प्लीज़ मुझे एक मेमोग्राफी लिख दो एंड विच वॉज ऑल्सो फाउंड नॉर्मल बट द एंगजाइटी रिमेन्स द सेम. लेकिन उनकी एंगजाइटी किसी भी तरह से किसी भी केस किसी भी टेस्ट से इन्वेस्टिगेशन से कम नहीं हो रही थी. द एंगजाइटी वॉज सेम. ऑन दिस सिम्टम आई चोज एंगजाइटी हेल्थ अबाउट and these were the remedies. Nitric acid was there, so I chose nitric acid over thuja and I gave her a single dose of acid nitricum 30 c. this is the repertorial chart. Wart pedunculated, wart large, painful, soft, and anxiety health about. सोचने वाली बात ये है this is the anamnesis कि 2018 में ये पेशेंट मेरे पास वॉट लेकर आई और उससे पहले शी वॉज कीप ऑन थिंकिंग कि मेरे ब्रेस्ट में कुछ लंप है एंड चेक करने पर भी मेमोग्राफी कराने के बाद भी वो नॉर्मल आने के बाद भी उसकी एंजाइटी कम नहीं हुई. एंड 2018 में ये पेशेंट मेरे पास ये वॉट उसकी ब्रेस्ट पर ही लेकर आई. सो दिस इज हाउ आर माइंड वर्क्स. जो हम सोचेंगे वैसा ही मतलब वो चीज हम अट्रैक्ट करते हैं और दिस आई सॉ एंड ऑब्जर्व इन दिस केस. सो सी द रिजल्ट इन जस्ट 15 डेज विद अ डोज ऑफ एसिड नाइट्रिक 30. डे फर्स्ट डे थर्ड इट गॉट श्रिंक्ड. डे 7 एंड ऑन डे 15 इट टोटली डिसअपीयर्ड एंड शी इज टोटली परफेक्टली फाइन टिल डेट. Case number 4, a patient came with a single wart over his forehead, no other associated complaint narrated by the patient. One peculiar symptom was found, that is his head and hands were hot and soles are cold to touch. So this was the peculiar symptom I found in this case. No other symptoms, no characteristic or no peculiar thing in his other physical generals or
in mental generals, I just got that he is a little in anxious patient, and he has a lack of confidence and lack of concentration, and so I in this symptom hands head and hands were cold and soles are cold to touch. I repertorized this symptom and I got a single remedy, that is Anacardium, mentioned in BBCR. So while I saw this remedy Anacardium there, this is a single remedy which is mentioned in BBCR under upper body, heat of upper body and feet are cold. So in this Anacardium is the remedy, and when I talk to the patient according to this, we have to go specific in this case. And jab maine aur pucha, to there was lack of confidence, lack of concentration, anxiety is there, and his anxiety is better by eating. So on this symptoms, I gave him Anacardium 200, one dose, and see the results in just 2 weeks. In 15 days, is this what get shed off? Case number 5, a lean, thin female patient, aged 16 years, came to Orbit Clinics with the complaint of warty eruption around her elbow, bilaterally the complaint, this is present since 2 months. Slight itching was there, which is aggravated on slightest touch. And this also, this itching is also increases the patient's irritability. The patient is in much irritability. Associated complaints were breathlessness on slightest exertion, and hair falling with headache. And the headache is, the location was temples, bilaterally. Appetite was average. 3 meals per day, and she can easily tolerate hunger. Thirst is for 2 to 3 liters per day. The desires were salty things. Stool was satisfactory. Urine, nothing specific. There is history of nocturnal aneurysis up to the age of 12 years, which we found. And thermal reaction was hot patient. Mental generals, there is much irritability which aggravated on consolation. So consolation aggravates. She prefers to weep only when alone. On repertorization, we got warts elbow on bend, warts sensitive to touch. There is desire, salt things, weeping, tearful mood when alone. Consolation aggravates. And from the associated complaints, we just on examination, we got that she is anemic, and her HB was, when we investigate, when we get her investigation done, then we found that the patient was anemic. Her HB was 10 gram per cent. And that is because of that, this breathlessness is coming out, coming, and hair falling is because of the anemia. So we took this symptom as anemic patient subjects in, and this is the result with Natremute 30, one dose. You can compare the results from this. So this is all about my presentation. Thank you so much. This is wonderful, Dr. Shweta. दोनों लोगों ने बहुत अच्छा काम किया वार्ड्स पे, और डॉक्टर श्वेता आपने और भी अच्छे केसेस ठीक किए हैं. डॉक्टर गरिमा अभी भी और अच्छा काम कर रही हैं. अब अनऑफिशियली मैं भी कुछ वार्ड्स के बारे में शेयर कर देता हूँ जो आप सब लोगों को पता होना चाहिए, अगर आप सब लोगों की इजाजत हो तो. बिल्कुल सर, अपनी स्क्रीन ऑफ कर लीजिए डॉक्टर श्वेता.
अब चलते हैं वार्ड की कुछ हिस्ट्री पे। आप सब लोगों को मालूम है कि लगभग 3000 साल पहले की जो ममीज मिली हैं उनमें भी वार्ड का जिक्र किया है। शेक्सपियर जिनको हम इतना अच्छा राइटर मानते हैं उन्होंने भी वार्ड्स के बारे में जिक्र किया है। और वार्ड्स कोई ऐसी इन्फेक्शंस नहीं है जो आज की हैं, बहुत पुरानी इन्फेक्शंस हैं। हालांकि हम सब लोग ये मानते हैं कि एक वायरस की देन है, लेकिन बहुत सारी बॉडी की अपनी अपनी ससेप्टेबिलिटी होती है। जैसे डॉक्टर गरिमा ने सब कुछ बताया कि आपकी इम्यूनिटी बेस्ड है। आज भी जो वायरस का दौर चल रहा है वो भी आपकी इम्यूनिटी पे ही डिपेंड कर रहा है कि आपकी इम्यूनिटी कैसी है। बहुत सारे लोगों को हर्ट कर रहा है, बहुत सारे लोगों को नहीं कर रहा है। बहुत सारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्टाफ हैं जो पूरे लॉकडाउन के दौरान काम करते आ रहे हैं, कोरोना के केसेस से डेली जूझ रहे हैं, लेकिन उनको इन्फेक्शन नहीं हुई हैं। तो सबकी अपनी अपनी बॉडी की अपनी अलग अलग क्षमताएं हैं। और ये कोई नया वायरस नहीं है कि वार्ड आपको लगे कि अभी कोई नया वायरस है, बहुत पहले से भी वायरस है। मैं आपको वार्ड्स के बारे में कुछ ऐसी चीजें शेयर कर देता हूँ जो मुझे बहुत सिंगल चीजें पता है, सिंगल मेडिसिन पता है वार्ड्स के बारे में। हालांकि जितना दोनों स्पीकर्स को नॉलेज है उतनी तो नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी कुछ केसेस ऐसे शेयर करता हूँ जो बहुत पिक्यूलर रहे हमारी ओपीडीज में और बहुत अच्छे से ठीक हुए। बिफोर एंड आफ्टर वाली हमने वार्ड्स की इतनी पिक्चर्स नहीं रखी हैं क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पीसीओएस पे काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि जनरल ओपीडीज हैं तो केसेस सब आते रहते हैं, तो मैं कुछ शेयर करता हूँ आपको। नंबर एक, ये जो एक आई का वार्ड है ये बहुत ही स्पेसिफिक केस था। जब इन्होंने आई स्पेशलिस्ट को दिखाया तो उन्होंने कहा कि ये कुछ अलग ही चीज़ है और हमें समझ में नहीं आ रहा। दो तीन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को उन्होंने अलग अलग ओपिनियन ली। उसमें से एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने कहा कि ये एक वार्ट है, मस्सा टाइप की चीज़ है और आप इसका इलाज होम्योपैथी में कराओ। हमारे पास पेशेंट आया तो मुझे भी पहली बार ऐसा देखने के लिए मिला कि आई में वार्ट हो। तो ये हमारे ऑर्बिटल क्लिनिक सोनिया विहार का केस है। हमने इसको कॉस्टिकम दी थी सिंगल मेडिसिन में, क्योंकि जहाँ भी हमें बहुत सॉफ्ट पार्ट पे वार्ट मिले, सिंगल मिले, तो कॉस्टिकम अच्छी रेमेडी है। कुछ वार्ड के बारे में मैंने डॉक्टर एम भट्टाचार्य को पढ़ा था तो उन्होंने बहुत सिंगल और बहुत अच्छी चीज़ दी हुई है वार्ड के बारे में। तो इसके लिए हमने कॉस्टिकम 200 यूज़ करी और 200 यूज़ करने का रीज़न आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन है पोटेंसीज के बारे में। अभी एक क्वेश्चन भी है कि 200 की पोटेंसी क्यों यूज़ करी, तो पोटेंसीज को लेकर के अलग अलग वेरिएशन हैं। नंबर एक तो बच्चा था, हमें लगा कि 200 की पोटेंसी ज़्यादा अच्छा काम करती है, एक्टिव था। मेन बात थी कि इस बच्चे को अपने आप में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसके मदर और फादर बहुत चिंता में थे कि आईज में ऐसा क्या हो गया है। किसी टाइप की कोई इंजरी की हिस्ट्री नहीं थी। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि आई बिल्कुल नॉर्मल है, सभी कुछ ठीक है, लेकिन जो ये है ये कोई एक टाइप का वार्ट है। हमने कॉस्टिकम 200 दी, बहुत ठीक हो गया है। अभी भी बहुत हल्का सा मार्क है, लेकिन पिछले 6-7 महीनों के अंदर बहुत अच्छे से ठीक हो गया है। तो हमने सिंगल डोज पे ही रखा हुआ है अभी भी। जब ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा तो इसकी पिक्चर आगे कभी केसेस आएंगे तो शेयर करेंगे। सेम ऐसी पेनाइल वार्ड्स, पेनाइल वार्ड में मुझे एक रूब्रिक मिला ऐसे वार्ड्स के लिए और उसमें सिंगल मेडिसिन पड़ी हुई है सेवाइना। ये मेरा एक परफेक्ट केस है वार्ड का जो 2012 में ठीक हुआ था। बाई चांस इसकी पिक्चर मिल गई तो आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। सेवाइना 30 की सिंगल डोजेस से ठीक हो गया था, एक हफ्ते के अंदर इसके वार्ड्स जो है वो क्लियर हो गए थे। नाउ फोरहेड पे ये जो वार्ड्स आप देख रहे हैं इसके लिए हमने चाइना यूज करी है। अब आप सब लोगों को जैसा अभी डॉक्टर श्वेता ने अभी बताया कि जब हम कभी वार्ड्स को लेकर के बात करते हैं तो हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि सिर्फ वार्ड हैं, हमें टोटलिटी ऑफ द सिम्टम लेनी पड़ेगी, हमें उसी पे काम करना पड़ेगा, वरना थोजा जो है वो फेलियर की तरफ जाती रहेगी और जो लोग ठीक नहीं कर पाते हैं वो यही सोचते रहेंगे कि यार वार्ड क्यों नहीं ठीक हो रहा। हमारे पास ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं जिन्होंने कभी अपने वार्ड के बारे में जिक्र नहीं किया, लेकिन ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद वो कहते हैं कि हाँ डॉक्टर साहब, हम मेरे कुछ ऐसे ऐसे मस्से भी थे वो भी ठीक हो गए। इस केस में हमने चाइना यूज़ की और चाइना हमने इस केस में 6 में यूज़ करी। इसका पेट भी खराब था, वीकनेस भी थी, हमने उस बेसिस पर भी चाइना दी। इसकी सभी चीज़ें ठीक हुई और अभी लगभग ठीक है। नाउ एक पेशेंट आई मेरे पास जो बहुत डिप्रेशन की मेडिसिन खा रही थी बहुत सालों से, और वो अपने साइकेट्रिस्ट से ये कहती थी कि सर मुझे ये आपकी दवाई के बाद ऐसा हो गया है। तो उन्होंने मेरे पास भेजा, उन्होंने कहा कि हमारे डॉक्टर साहब हैं उनको दिखाइए, इनका इलाज सिर्फ होम्योपैथी में। देखिए कितनी अच्छी बात है, क्योंकि जितने भी एलोपैथिक फिजिशियन से आज तक मैं मिला हूँ या जितने भी वार्ड ऐसे हैं जो एलोपैथिक फिजिशियंस के पास या मॉडर्न मेडिसिन के पास गए हैं, वो सभी लोग ये कहते हैं कि इसका इलाज होम्योपैथी में बहुत अच्छा है। तो वार्ड मतलब होम्योपैथी,
ये बहुत कॉमन सी टर्म है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ बहुत सारे कम लोगों ने इस पर लिटरेचर बहुत कम अवेलेबल है। कल से मैं देख रहा हूँ डॉक्टर श्वेता डॉक्टर गरिमा दोनों लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इनको बहुत ज्यादा कोई लिटरेचर मिला नहीं। वो सिर्फ इसलिए नहीं मिला क्योंकि हमने वार्ड को बहुत सिंपल वे में ले लिया और हमने सोचा कि वार्ड तो ठीक हो ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। जब मैंने इस केस को पूरा देखा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये एक टाइप की न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस है, ये वार्ट नहीं है। तो मैंने उन्हीं डॉक्टर को एक नोट लिख करके भेजा कि सर दीज आर नॉट द वार्ट एंड द कंफर्मेटरी डायग्नोसिस न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस। तो ये एक बहुत छोटा सा रूप है, हालांकि ये लगभग 2012 का केस है और अब इसके जो लम्स हैं बहुत बड़े हो गए हैं और अब डॉक्टर्स ने भी कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस ही बताई है। तो हमें ये बहुत जरूरी क्लियर करना होता है कि ये वार्ड्स हैं या नहीं है। हमेशा ध्यान रखिए कि अगर कोई भी डॉक्टर आपके पास वार्ड्स के लिए केस भेजता है तो आप जरूर ये नोट करिए कि वो वार्ड्स हैं या कुछ और हैं। अभी और भी एक दो चीजें बताऊंगा जो वार्ड से रिलेटेड होती हैं। नाउ सेम आपने बहुत मशहूर पिक्चर है देखे होंगे, ऐसे केसेस आपके पास बहुत सारे आते रहते होंगे कि गर्दन पे बहुत बहुत छोटे से टैग बताते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे मस्से हटा दो, और हम लोग शायद बहुत सारी मेडिसिन कितनी भी हाई पोटेंसीज में दे करके भी हम लोग शायद उसको ठीक नहीं कर पाते हैं। तो आप सब लोगों को बता दो कि ये वार्ड्स नहीं है, ये ठीक नहीं होते, जनरली जेनेटिक्स होते हैं और इनका नाम जो है वो डीपीएंस है। ये सबसे मेरा फेवरेट टॉपिक है और डीपीएंस जनरली मैंने होम्योपैथी में ठीक होते हुए नहीं देखे हैं। अगर किसी ने ठीक किया हो तो वो कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन के द्वारा ही अपने आप जाएंगे, वरना जेनेटिक्स इन्वॉल्व होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्व होती है। कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, ऐसी कंट्री जहाँ पे ब्लैक लोग ज्यादा हैं यहाँ पे डीपीएंस भी ज्यादा मिलते हैं। तो हमें ये बहुत अच्छे से समझना होगा कि होम्योपैथी में क्या ठीक होगा क्या नहीं होगा, ये जानना बहुत जरूरी है। नाउ ऐसे फ्लैट वार्ड जब डॉक्टर साहब बात कर रहे थे आपको बता रहे थे उनके सब एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में, तो ये एक फीमेल है जिसके दोनों हाथों पर ऐसे वार्ड से जहाँ पे हमने डलका मारा यूज की और उसको बहुत फायदा हुआ। हालांकि इसका एक वार्ड जब आप थंब पे देख रहे हैं तो ये फंगल से इन्फेक्टेड भी था, लेकिन वो भी सिंपली डलका मारा से ठीक हुआ। ये जो वार्ड हैं ये लीनियर वार्ड हैं, बहुत कॉमन इन्फेक्शन है इंडिया के अंदर। हमने इस केस में आर्निका को यूज किया है, सॉरी आर्निका की थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई है, हमने इस केस में आर्निका को यूज किया और बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट आए। मतलब हमें शायद 3 या 4 दिन में ही इसके जो वार्ड्स हैं वो सूखने लगे, लेकिन जब हमारे पास आई थी तो उस समय क्या था कि इसके वार्ड के ऊपर कुछ रेडनेस थी और हमें ये लगा कि ये वार्ड शायद इन्फेक्टेड हो गए हैं या इसने कोई इसको जैसे इचिंग कर लेते हैं तो उसके बाद जो इन्फेक्शन हो जाती हैं, तो कुछ वार्ड्स में इन्फेक्शन थी जिसकी वजह से हमें इसको बेलाडोना भी प्राइमरी डोज देनी पड़ी। उसके बाद सिर्फ हमने आर्निका दी और आर्निका पे इसको 6-7 दिन के अंदर ही सारी चीजें क्लियर हो गई थी। मैं आपको बिफोर आफ्टर वाली, क्योंकि हमने कभी इस पर कलेक्शन पर काम नहीं किए और हम अब ध्यान दे रहे हैं कि हाँ वार्ड कितने जरूरी हैं और अब हम एक एक वार्ड को ट्रैक कर रहे हैं। और पिछले जब से वार्ड का हमने टॉपिक चूज किया तब से ही बहुत सारे हमने ट्रैकिंग पे ले आए हैं और अब हमने सब पेशेंट्स को भी फोन करना शुरू किया कि अगर आपके वार्ड ठीक हो गए तो हमें पिक्स भेजिए तो बहुत जल्दी आ जाएंगे। यहाँ मैं सिर्फ वही केसेस शेयर कर रहा हूँ जो बहुत ठीक हुए हैं, जो ठीक नहीं हुए वो शेयर बहुत कम कर रहा हूँ। नेक्स्ट अगेन डलका मारा जो मैंने अभी आपको थंब में दिखाया था। अब आज ही ओपीडी में जब मैंने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे हमने कल एक आज के लेक्चर के बारे में लगाया हुआ था तो मेरा एक पेशेंट आकर के मुझे दिखाता है जो बहुत ठीक है, उसकी इनर थाई पर एक ये पेडंकुलेटर वार्ट है। उसने कहा कि सर मुझे बहुत सालों से है, मैंने बहुत सारी होम्योपैथी दवाई खाई है और जब थूजा का नाम आया तो उन्होंने कहा कि सर थूजा तो मैंने कोई उसमें छोड़ा ही नहीं, मतलब उन्होंने मदर टिंचर का एप्लीकेशन भी किया है, हायर पोटेंसीज भी ली हैं, लेकिन ये आज तक ठीक नहीं हुआ। तो मैंने उनको ये बोला कि ये ठीक भी नहीं होगा, पेडंकुलेटेड है, ऑलमोस्ट डेड पार्ट है और ये शायद नहीं जाएगा। इसका एक ही फॉर्मूला है कि आप इसको कहीं से ब्लॉक कर दो ताकि जो भी आर्टरीज हैं वो ब्लॉक हो जाएं और वार्ट जो है वो अपने आप ही झड़ करके बाहर आ जाए। मेडिसिन से ठीक करना इसको इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि बहुत पुराना है और अगर ठीक होना होगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट से ही ठीक होगा, थूजा से तो क्योंकि इन्होंने भी ले ली है और मैंने थूजा के बारे में इसके बारे में सोचा भी नहीं। आजकल इनको मैं इनकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम पर कॉस्टिकम दे रहा हूँ तो हो सकता है कि कॉस्टिकम वर्क करे तो ऐसा भी हो जाए, लेकिन पेशेंट ने आज हमें अपने वार्ड्स के स्टेटस को देख करके उसने मुझे ये बताया कि मुझे ये वार्ड्स भी है
तो भी मुझे लगा कि हाँ शायद कॉस्टिकम जैसे ही वार्ट है, सिंगल है, एक ही जगह है और कहीं हो नहीं रहा, तो कॉस्टिकम जब इसकी रेस्पिरेटरी को ठीक कर रहा है तो इसके वार्ट को भी बहुत जल्दी से ठीक करेगा। ये बिल्कुल आज का रिसेंट, अभी शायद 12:30 की मेरे ओपीडी की बात है, तो ये हमारे पास रिसेंट केस है। सो थैंक यू मेरी तरफ से भी। अब जो क्वेश्चंस हैं वो पूछना शुरू करते हैं, तो मैं, डॉक्टर श्वेता और डॉक्टर गरिमा तीनों मिलकर के जवाब दे देंगे, ज़्यादा अच्छा है। और मैं क्वेश्चंस पूछना शुरू करता हूँ। डॉक्टर आलम बख्शी पूछते हैं, आई हैड ऑब्जर्वड ए वार्ट ऑन निप्पल ऑन चेस्ट हैविंग स्मॉल साइज आई यू थोजा फ्रॉम 30 to 1 mm बट नो चेंज। आफ्टर दैट आई यूज 50 mm सेकेंड डे आई वॉज फाउंड नथिंग। सो इनका क्वेश्चन है कि व्हाई लोअर पोटेंसी इज नॉट ट्रीटिंग इट। डॉक्टर श्वेता, सर ऐसा नहीं है, मैंने काफ़ी सारे केसेस शेयर किए हैं एंड इट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द ससेप्टेबिलिटी ऑफ द पेशेंट कि कौन सी पोटेंसी वर्क करी। अगर हमें मेंटल जनरल्स अच्छे मिल रहे हैं और काफ़ी पिक्यूलियर मिल रहे हैं और तो हम हाई पोटेंसीज पर जा सकते हैं। जहां हम फिजिकल जनरल्स पर काम करते हैं वहां हम लो और मीडियम पोटेंसीज यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी यूज पोटेंसीज एंड रिपीटेशन ऑफ डोजेस अकॉर्डिंग टू द ससेप्टेबिलिटी ऑफ द पेशेंट। जी, और मेरा मानना तो हमेशा ये, मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को यही सिखाता हूँ कि अगर कोई भी दवाई किसी भी पोटेंसी में काम नहीं कर रही है तो उसी कंपनी चेंज कर लो, ज़्यादा अच्छा है, हो सकता है दूसरी कंपनी के काम कर जाए। मेरे साथ ज़्यादातर ऐसे होता है। डॉक्टर पी अनुदीप और डॉक्टर उसामा अली, ये दोनों का क्वेश्चन लगभग एक सा ही है कि मैम डिड यू टोक एनी मेंटल्स इन दिस केस बिकॉज फ्यू डॉक्टर प्रिस्क्राइब ओनली ऑन द मेंटल्स। और डॉक्टर उसामा का क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल्स इन केसेस ऑफ वार्स। तो दोनों का लगभग सेम ही आंसर होना चाहिए। डॉक्टर श्वेता, ओके सर, डेफिनेटली मेंटल्स को कंसीडर किया जाता है जहाँ पर हमें कोई पेक्यूलियर मेंटल्स मिले, बट ज़रूरी नहीं होता कि हम हमेशा, जितने भी केसेस मैंने शेयर किए वो मोस्टली 15 दिन में, 10 दिन में या 6-7 दिन में इस तरह से उनका जो शेड ऑफ हुए हैं वो बहुत जल्दी हुए हैं। तो इन केसेस में जब फर्स्ट विजिट में पेशेंट हमारे पास आता है तो उस टाइम पे जितने हमें उस टाइम पर सुपरफिशियली मेंटल्स या बाय ऑब्जर्वेशन जो हम मेंटल्स कैच कर सकते हैं वो करते हैं, एंड अगर वो ठीक नहीं होता देन वी डेफिनेटली हमें पेक्यूलियर मेंटल्स तो चाहिए ही होते हैं और मेंटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हमें ऐसा कोई कैरेक्टरिस्टिक मिल जाता है तो वी विल गो विद द मेंटल ऑब्वियसली। सो इम्पोर्टेंस तो है बट जो भी केसेस हैं ये बहुत एक्यूट प्रिस्क्राइबिंग आप कह सकते हैं कि बहुत जल्दी इनमें रिजल्ट मिल गए ओनली ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू फिजिकल जनरल्स, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी और द हाउ एंड द लोकेशन, सिर्फ इनके बेसिस पे। क्योंकि मैंने बोला कि ये एक लोकल मैलेडी है, डेफिनेटली फिजिकल जनरल्स एंड मेंटल जनरल्स हम कंसीडर करेंगे टू फॉर्म द टोटालिटी ऑफ द सिम्टम्स, बट जहाँ फर्स्ट विजिट में पेशेंट ना ही इतना जल्दी से आपके साथ घुल मिल जाता है कि वो सभी चीज़ें आपको बता दें, तो अकॉर्डिंग टू दैट वी गो फॉर द केस। अगर वो उसी बीच में आपने जो मेडिसिन दी वो ठीक हो जाता है तो आपको फिर आगे मेंटल जनरल्स पूछने की जरूरत नहीं होती, बट येस जहाँ हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते वहाँ हम मेंटल जनरल्स को जरूर कंसिडर करते हैं और हम वो चीज़ एक्सप्लोर करने की, उसके मेंटल मेकअप को एक्सप्लोर करने की कोशिश जरूर करते हैं। थैंक यू डॉक्टर श्वेता, बहुत अच्छा जवाब है। डॉक्टर श्वेता हैं वो, उनका भी सेम क्वेश्चन था, importance of mentals in the case. So डॉक्टर श्वेता का भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। जहाँ तक मेंटल्स का सवाल है तो मैं आपको बता दूँ कि मेंटल सिम्टम्स से ज़्यादा मेंटल स्टेट की जरूरत होती है, क्योंकि डॉक्टर हैनीमैन सर ने कहीं भी मेंटल सिम्टम्स को उतना जिक्र नहीं किया, हमेशा उन्होंने कहा कि मेंटल स्टेट देखो कि वो क्या है, और अगर पैथोलॉजी की बात करें तो बीमारी कहाँ से आई है, कहाँ जाएगी और इस समय कहाँ पर है, हमें वो देखना है। हमने जितने भी केसेस शेयर किए, जो भी ऑर्बिट क्लिनिक के आपने जितने भी आज केसेस देखे उसमें मैक्सिमम आपने देखा होगा कि कहीं भी ऐसा नहीं है जहां हमने मेंटल्स को इन्वॉल्व ना किया हो, मैक्सिमम केसेस में किया है। और जहां सिंगल रेमेडीज यूज़ करनी होती है, अब जैसे मैंने एक पेनाइल वार्ड का आपको केस दिखाया और जिसको हमने सेवाइना दी,
तो आप मुझे भी यकीन नहीं था कि सेवाइना जब फीमेल रेमेडी के बारे में ही प्रचलित है और इतने सारे सिम्टम्स हैं, तो उस मेल में मैं कैसे सिम्टम पूछूं जो सेवाइना जैसे हो सकते हैं। कोई भी सिम्टम नहीं था, लेकिन क्योंकि रिपर्टरी में सिंगल मेडिसिन है, हमने दी और वो ठीक हुई। उस समय मेंटल स्टेट का कोई हमें लॉजिक नहीं लगा, तो हमने सिंगल रूब्रिक जहाँ से उठाते हैं, और मैंने ये भी देखा है कि जहाँ पे सिंगल रूब्रिक्स हैं वो मेडिसिन काम करेंगी चाहे जैसे भी हो। ये बहुत सारे राइटर्स ये लिख के गए हैं, सारे पाइनियर्स लिख करके गए हैं। ये आपकी अपनी सोच है कि आप उस चीज़ को कैसे वर्कआउट करना चाह रहे हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिजिकल पे काम करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेंटल्स पे काम करते हैं। एक्चुअल में जो होम्योपैथी जिंदा है वो आज भी फिजिकल लेवल पे सिम्टम्स पे जो भी काम करते आ रहे हैं उन्हीं पर जिंदा है, बस वो लोग बड़े स्टेज पर नहीं है, ये सच्चाई है। कैलकाटा में जब मैं गया तो मैंने इतने सारे डॉक्टर्स को देखा जहाँ पे 1x 2x 3x ऐसी इम्पोर्टेंसीज यूज होती हैं, और शायद कैलकाटा से ज़्यादा होम्योपैथी से केसेस कहीं भी ठीक नहीं होते, लेकिन क्योंकि वो लोग स्टेज पे नहीं है, वो लोग वेबिनार्स पे नहीं है, वो लोग कभी अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से शेयर नहीं करते। वरना होम्योपैथी अगर प्रैक्टिकल लाइफ में चल रही है तो सिर्फ उन्हीं लोगों की वजह से चल रही है जो 100-150 केसेस पर डे देख रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको किसको फॉलो करना है, ये आप अपनी एबिलिटी देखिए। मैं हर एक स्टूडेंट को ये कहता हूँ कि अपनी एबिलिटी देखो कि आपको क्या अच्छा लगता है। आपको पैथोलॉजी पे वर्क करना अच्छा लगता है, आप पैथोलॉजी पे वर्क करो। आपको मेंटल स्टेट पे अच्छा लगता है, मेंटल स्टेट पे करो। आपको कोई और तरीका अच्छा लगता है वो करो। बस ऑब्जर्वेशन करते जाओ और रूल्स को फॉलो करते जाओ, एक दिन रास्ते पे आप उसी पे पहुंचोगे जहाँ पे डॉक्टर हनीमन सर ने लिखा हुआ है। तो रास्ता कोई भी चूज कर लीजिए, आपको जाना तो वहीं पर ही है हर हाल में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर पूनम छाबरानी का, कैन यू टॉक अबाउट मोलस्कम कॉन्टोजिसम डॉक्टर गरिमा? मोलस्कम कॉन्टोजिसम, मोलस्कम मेनली पर्ल शेप्ड और छोटे बच्चों में देखा जाता है और बहुत ज्यादा कॉन्टेजियस होता है। यूजुअली फेस पे हमें वो मिलता है और पर्ल शेप्ड उसका डायग्नोसिस जो हम वॉट से डिफरेंशिएट कर वो रहता है। बाकी सर आप थोड़ा सा कौन सर व्हाट आई शुड टॉक अबाउट द मॉर्फोलॉजी और द ट्रीटमेंट पार्ट? ट्रीटमेंट पार्ट definitely, as I already told that we have to we are not going with the name of disease. We have to collect, we have to make the totality of the symptoms. So what are the sensations, where it is located, on the basis of these symptoms we can go for the remedy. There is no specific remedy for the skin complaints or a specific skin disease. So, जितने भी केसेस मैंने अभी शेयर किए हैं दे आर आई फॉर्म्ड अ टोटालिटी ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रेजेंटेशन देयर आई कंसीडर द फिजिकल जनरल्स एंड ऑफ कोर्स द मेंटल जनरल्स। डॉक्टर नुपुर शर्मा का सवाल है कि कैन वी चेंज मेडिसिन और शुड लीव पेशेंट ऑन एसएल? डॉक्टर गर्ग सर, मेडिसिन चेंज करने का क्राइटेरिया होता है इफ द पेशेंट। डॉक्टर करीम आप बताइए, मेडिसिन चेंज करने के लिए पहले हम वेट करेंगे फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन को, फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन हमारा कितना एक्ट किया है और पेशेंट ने सेकंड टाइम विजिट में हमें क्या सिम्टम्स दिए हैं, अपने ऑब्जर्वेशंस नोट करें और considerable changes देख के physical mentals में उसके बाद हम medicine देख सकते हैं। पहले placebo पे रखना चाहिए। ठीक है, मेरी तरफ से जवाब ये है डॉक्टर नुपुर शर्मा कि आप ये देखिए, observation करिए कि आखिर क्या चल रहा है। अगर किसी भी चीज़ में relaxation मिल रहा है खासकर mental symptoms पे, तो आप please उसको SLP रखिए, कोई जल्दी नहीं है। लेकिन अगर लगता है कि वो किसी भी चीज़ पर आराम नहीं दे रहा है या कोई भी फीलिंग्स अच्छी नहीं आ रही हैं, तो आप मेडिसिन को चेंज कर सकते हैं। लेकिन मेडिसिन को चेंज करने का जो ड्यूरेशन है वो डॉक्टर बोरिक सर को ज़रूर फॉलो करना है कि जितने डेज उन्होंने लिखा है एटलीस्ट उस पर ज़रूर ध्यान देना है।
और ये पता लगाना, इतना वेट करना है जितना डॉक्टर बोरिक सर ने अपनी बुक में मेंशन किया हुआ है कि अगर उन्होंने लिखा है कि 40 days, तो एटलीस्ट आपको 20 to 25 days तो जरूर वेट करना चाहिए ताकि आपको पता लगे कि एक्चुअल में क्या रिजल्ट्स आने वाले हैं। Yes, action of remedy is important. डॉक्टर इमरान, थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे से हमारा सेशन को बहुत अच्छा बताया। डॉक्टर मांगेराम वर्मा जी पूछ रहे हैं, व्हाट ऑन अपर आईलिड मल्टीपल चाइल्ड 3 year, इस पर कोई कमेंट है? एक 3 साल का बच्चा है जिसके अपर आईलिड पर मल्टीपल वार्ट्स हैं। डॉक्टर श्वेता आप बताएं। Sir, I have shared a slide where there are warts around the on the eyelids. So I just wait. The remedies are causticum and thuja. So you can check out for these remedies, considering the other symptoms. वैसे डॉक्टर मांगेराम जी, आप दोनों में से कोई भी मेडिसिन यूज करके देखें, अगर ना फर्क लगे तो आप एक बार एसिड नाइट्रेट को भी थिंक करना, बाकी सिम्टम्स भी मैच करो कि कोई टच से कोई एग्रेवेशन तो नहीं है, कोई ब्लीडिंग का साइन तो नहीं है, कोई इचिंग तो नहीं है। तो जैसा भी होगा आप 9711153617 पर भी मुझे बता सकते हैं, मैं डॉक्टर साहब से पूछ करके आपको और भी मेडिसिन बता दूंगा। Or sir, as he said, there are warts on upper eyelid multiple. If they are in crops, then causticum may be the remedy. Thank you, Dr. Arun ne bhi thank you bhejaye. Thank you so much. Aap sabhi logon ka bahut bahut dhanyawad. Kisi aur ka bhi koi wart ke liye koi experience ho, to please share kar sakte hai apni video on karke. या अपने ऑडियो से भी हमें बता सकता है कि, क्योंकि वार्ट एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत कम टच में हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा होम्योपैथी वार्ट के लिए यूज होती है। बहुत सारे लोग एप्लीकेशन अलग अलग, हर एक कंपनियों ने अपनी अपनी क्रीम बनाई हुई है कि आप वार्ट के लिए क्रीम यूज करिए, लेकिन क्योंकि डॉक्टर श्वेता ने जैसे ऑर्गन के बारे में सबको सच बताया कि एप्लीकेशन बिल्कुल मना है, लेकिन फिर भी क्योंकि पेशेंट की एक साइकिक है कि उसको लगाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, वो कहता है कि डॉक्टर साहब जब तक लगाएंगे नहीं तो अंदर से कैसे झड़ेगा। तो ये हमारे एक काउंसलिंग का पार्ट है, मैनेजमेंट का पार्ट है कि पेशेंट को कैसे समझाना है कि आगे तक के लिए हमें ध्यान देना है और आपका सिर्फ वार्ट ही ठीक नहीं करना, और भी बहुत सारी चीज़ें ठीक करनी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर श्वेता और डॉक्टर गरिमा, आप दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है और मतलब इतने कम समय में वार्ट के लिए आपने इतनी सारी जानकारी दी हम लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहता हूँ डॉक्टर वाई सिंह सर, जो आज हमारे प्रेसिडेंट हैं, प्लीज सर कुछ कमेंट करिए। डॉक्टर वाई सिंह सर, डॉक्टर वाई सिंह सर हमें सुन पा रहे हैं? डॉक्टर श्वेता और डॉक्टर गरिमा, हमारे फेसबुक पेज पे भी हम लोग आज लाइव हैं, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन आया है कि डिफरेंस बिटवीन वार्ट एंड स्किन टैग्स अबाउट देयर ट्रीटमेंट एंड सक्सेस, तो इसके बारे में जरा और बता दीजिए, क्योंकि फेसबुक पे भी हमें बहुत ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन डॉक्टर जितेश आहूजा ने पूछा है। About skin tags, जितना मेरे को पता है skin tags finger like या थोड़ी छोटी छोटी thread like growths हो जाती हैं बहुत छोटी skin tissues की, जबकि warts हम already discuss कर चुके हैं, warts thickening है जिसमें color different colors के हो सकते हैं, but skin tags usually skin colors के, और जहाँ पे बहुत thin skin usually हमारे face के आसपास या soft tissues जहाँ होते हैं वहाँ पे आते हैं। मैम आप ट्रीटमेंट पार्ट कंटिन्यू कीजिए प्लीज, क्या उनका ट्रीटमेंट रहता है?
जहाँ तक मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी, स्किन टैग्स में मुझे कुछ खास रिजल्ट्स नहीं मिले हैं इन केसेस ऑफ स्किन टैग्स, और ना ही मैंने उनका बेसिकली सिर्फ उनके लिए ट्रीटमेंट अभी तक किसी भी पेशेंट को दिया है. येस आई हैव ट्रीटेड वॉट्स, बट स्किन टैग्स के लिए मैंने अभी मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है. जहाँ तक मैं स्किन टैग के बारे में आप सब लोगों को बता दूं कि स्किन टैग के बारे में मैंने आपको डिफरेंस बताए थे, ये स्किन टैग है, अब मैंने बताया था ठीक नहीं होते. देखिए हम लोग कुछ नॉर्मल चीज़ों से जब हटते हैं, एबनॉर्मल होते हैं, उसको ठीक करने के लिए हम लोग काम करते हैं. डॉक्टर से काम है कि जो एबनॉर्मल चीज़ें हैं उनको ठीक करें, लेकिन जो स्किन टैग हैं वो एक्चुअली नॉर्मल हैं. जब स्किन फॉर्मेशन होती है और उसका जो डिस्टरबेंस है वो कहीं आ गया, ये पैथोलॉजी में जनरली काउंट नहीं होता. तो जो स्किन टैग हैं वो नॉर्मली कंसिडर किए जाते हैं, और ये जेनेटिक्स भी इसमें इन्वॉल्व होती है. बहुत सारी कंट्रीज में भी बिल्कुल नॉर्मल है. तो जो स्किन टैग हैं उनको ठीक करना बहुत ही मुश्किल है. अगर वो ठीक होते हैं तो इसका मतलब कोई इन्फेक्शन रही होगी या कुछ और रहा होगा. डॉक्टर पूनम छाबलानी का एक क्वेश्चन और है, कैन यू शो टू केसेस डॉक्टर दीपक शर्मा, दीपक शो टू Differentiate with BARDS is was with. Sorry, Dr. Poonam, समझ नहीं पा रहे हैं आपका क्वेश्चन. डॉक्टर श्वेता आप एक बार देखो. सर आपने दो केसेस डिस्कस किए थे, डॉक्टर पूनम बोल रही हूँ. जी जी जी. एक तो आपने बोला DPN है, एक वो नोड्यूल्स थे जो आपके पास किसी ने रेफर किया था साइकियाट्रिस्ट ने. जी. और आपने बोला ये वार्ड्स नहीं है. हाँ जी. की डायग्नोसिस क्या थी दोनों केसेस में, थोड़ा सा वो डिफरेंशिएट करो. एक की न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस थी, दूसरे की DPNs थी, डर्मेटोसिस पर्प्यूरस निग्रा. तो कैन यू रिपीट DPN? एक DPN थे, एक न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस थे. मैं अभी चेक कर देता हूं. जी हां, प्लीज प्लीज, थैंक यू सो मच. थैंक यू. सो मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपने प्रेजेंट सर से, डॉक्टर वाई सिंह सर प्लीज. थैंक यू डॉक्टर दीपक शर्मा. पार्ट्स पर आज का लेक्चर बहुत बढ़िया, डॉक्टर गरिमा जिंदल और डॉक्टर श्वेता सिंह का बहुत बढ़िया लेक्चर रहा. काफ़ी क्वेश्चंस आए, इसका मतलब ये है कि सभी हमारे मेंबर्स ने बड़ी गौर से सुना है, इससे पता लगता है. तो बहुत बढ़िया लेक्चर रहा, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद. सारे एजुकेटिव मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद जो इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, डॉक्टर दीपक शर्मा, डॉक्टर गरिमा जिंदल, डॉक्टर नूपुर, डॉक्टर ये जितने भी डॉक्टर हैं जो हमारे साथ देते हैं, सारे मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद. और जो लोग और भी जुड़े हैं आज नए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू डॉक्टर दीपक. थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. और चूंकि पूरी टीम एक साथ काम कर रही है और ये एक परिवार है, टीम से ज़्यादा परिवार है, और हम चाहते हैं कि ये परिवार और बढ़े. तो सभी लोग प्लीज़ मेम्बरशिप लीजिएगा DHMA.in पर जाकर के. बहुत छोटा सा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, वो पूरा करिए. कुछ लोगों के, जिन लोगों, जो लोग मेंबर बन गए, हमने मैक्सिमम लोगों के सर्टिफिकेट भेज दिए हैं. जिन लोगों के सर्टिफिकेट अभी तक भी नहीं मिले हैं वो अंडर प्रोसेस हैं और बहुत जल्दी उन तक पहुंच जाएंगे. और जिन लोगों को, जिन्होंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर अभी तक वेबसाइट पे नहीं लगाई है, वो प्लीज़ लगा लें हमारी वेबसाइट पे, क्योंकि सर्टिफिकेट सब कुछ उसी पे डिपेंड करेगा. तो सभी लोग अपनी प्रोफाइल पिक्चर जरूर लगा लीजिए. अब मैं दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन में हमारे प्रेजिडेंट सर की तरफ से आज के जो दोनों स्पीकर्स हैं उनको एक छोटा सा सर्टिफिकेट गिफ्ट करते हैं. डॉक्टर श्वेता सिंह ये आपके लिए हैं. थैंक यू सर. डॉक्टर गरिमा मैम ये आपके लिए हैं. ये दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से आपको एक छोटी सी भेंट है. हम दोनों सर्टिफिकेट आपको ईमेल कर देंगे. और आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि वार्ड्स पे इतनी सारी अच्छी जानकारी जी दी है आपने हमें. आज के हमारे जो हमारे दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के पैटर्न सर हैं, वो आज थोड़ा कहीं व्यस्त हैं, लेकिन हम आज उनको मिस कर रहे हैं, क्योंकि उनके बिना हमारी कोई भी CME, कोई भी वेबिनार्स पूरे नहीं होते. तो डॉक्टर VP सिंह सर को आज हम मिस कर रहे हैं. अगली बार वो जरूर हमारे साथ रहेंगे. हम लोग आपको बता दें कि जितने भी मेम्बर्स हैं उनके लिए हम लोग हर सैटरडे को वेबिनार्स करते हैं, और इस सैटरडे डॉक्टर मनीष शर्मा हमें कैल्केरिया काब और जो कैल्केरिया ग्रुप की जितनी भी मेडिसिन हैं उनकी पर्सनालिटीज के बारे में बताएंगे. तो सैटरडे जो डेट रहेगी वो रहेगी 3 तारीख को है, 3 अक्टूबर को रात को 9 बजे. DHMA मेंबर्स के लिए हैं. जो लोग मेंबर्स नहीं हैं वो भी ₹100 का एक छोटा सा अमाउंट पे करके वेबिनार को सुन सकते हैं. डॉक्टर मनीष शर्मा
गाजियाबाद से हैं जो हमें कैल्केडिया ग्रुप की सारी मेडिसिन के पर्सनालिटीज पर कुछ बताने वाले हैं। बहुत अच्छा लेक्चर रहेगा। तो हम लोग अब 3 बजे 3 तारीख को रात को 9 बजे मिलेंगे। आप सभी लोगों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर वाई सिंह सर, आप प्लीज मीटिंग एंड करने की इजाजत दीजिए। थैंक यू सर। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्योंकि हम लोग, मैंने आपको बताया कि हम लोग सब फिजिकली मिलते थे, एक सीएमए के बाद एक अच्छा सा रिफ्रेशमेंट होता था, लेकिन अब क्योंकि डिजिटल रिफ्रेशमेंट भेजना तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। हम लोग एक बार जब जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो जाते हैं, कोरोना खत्म हो जाता है, तो हम सब लोग एक साथ दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में लास्ट संडे को जरूर मिलेंगे और वहीं पर एक अच्छी सी पार्टी भी करेंगे सीएमए के साथ साथ, क्योंकि पढ़ाई से शायद अब बोर भी होने लगे हैं, तो हम लोगों को मिलना भी बहुत जरूरी है। सारे मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग मेंबर्स नहीं हैं उन लोगों का बहुत खास धन्यवाद कि उसके हमारी रिक्वेस्ट के बाद सब लोग आते हैं और हमें सराहते हैं। आप लोगों का कोई भी सजेशन हो तो मुझे 9711536617 पर भेज सकते हैं या हमारी वेबसाइट दिल्ली है www.dhma.in पर जा सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं dhmadelhi@gmail.com पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों। एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा, डॉक्टर मनीष शर्मा गाजियाबाद से डॉक्टर दीपक शर्मा के भाई हैं, इसलिए आप जरूर सुने। डॉक्टर दीपक शर्मा को तो आप जानते ही हैं, लेकिन उनको जरूर सुने, वो भी डॉक्टर दीपक शर्मा से कम नहीं है। बस थैंक यू सर, वो मेरे से भी ज्यादा है सर, मैं उनसे ज्यादा ही हैं, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ। तो बहुत से मेंबर्स को पता नहीं होगा, तो अब जो है लोग जुड़ेंगे जरूर। डॉक्टर दीपक शर्मा के भाई हैं और दीपक शर्मा से आ गई हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मीटिंग एंड करता हूँ। थैंक यू।